हेलो सर. हेलो मैम. क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम जुगल किशोर और मैं आसाम की एक गांव लोहारगंज से हूँ. आप कितने साल के हो? मैम मैं अभी 23 का हूँ. मैं आपका ना अभी इंस्टाग्राम पेज खोला है आपका और वाओ इंटरेस्टिंग. मैं अनु जी आपको और एचआर आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ. ये देखिए. अभी जो आप लोग देख रहे हैं धान की खेती है और माँ के साथ मैं उनको खाना देने जाता था. पापा खाने खाते थे, मैं जो हल होता है वो मैं चलाता था. तो ऐसे ही सीखते सीखते मतलब पापा के साथ जाते हुए मैंने काम सीखा है. आप सारेगामा पा पे क्या मकसद से आए हैं? मैम मैं सारेगामा पा में इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे म्यूजिक की दुनिया में खुद को प्रूव करना है और फिर अगर मैं कुछ बन पाया यहाँ पे कुछ नाम कमा पाया तो हमारे गांव में पूरे गांव ही खेती करते हैं. सिर्फ एक दो जो लोग हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं और वहाँ पे एक भी खेती के जो इक्विपमेंट है जो मशीनें हैं वो एक भी नहीं है हमारे गांव में. तो मैं पहले वो मशीन खरीदूँगा. अगर यहाँ पे एक बीघा ज़मीन हम जोतते हैं तो बैलों से 2 दिन लगता है. तो अगर ट्रैक्टर से हो तो हमारे 1 घंटे में ही हो जाता है ट्रैक्टर से काम. अभी तो हमारा पैसा नहीं है तो ट्रैक्टर नहीं खरीद किया. अभी हम अपना हाथ से खेती किया. अगर मैं खेती नहीं करूँगा मेरे परिवार भूखा में रहेगा. खेती करना ही पड़ेगा. मैं अगर जुगल सारेगामा पा में जीतेगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि वो ट्रैक्टर खरीद लेंगे, पावर टिलर खरीद लेंगे, कोई आधुनिक मशीन खरीद लेके हमारे एरिया में जो ट्रेडिशनली खेती करता है वो बहुत सहायक होगा. तू ना पूछ रास्ते में काहे, तू ही तो है राह जो सुझाए. क्या बात है, क्या जज्बा है आपका कि मुझे ये करना है. जब वो जज्बा होता है ना और वो नियत अगर साफ है तो फिर ऊपर वाला ना आशीर्वाद जरूर देता है. और हमारी दिल से दुआ है कि आपकी जो भी मनोकामना है वो ऊपर वाला. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट. अब आप गाना सुना दीजिए. सर जी शॉप पकड़े. आप 2 मिनट लो, सुर लो कान में और क्या गाना गाना चाहते हो वो डिसाइड करो, पर एकदम नर्वस नहीं हो. ओके. ऑल द बेस्ट. हवा में बहेंगे घटाओं में रहे खा मेरी मैं तेरा बादल पिया जो तेरे ना हुए तो इसके ना रहेंगे दीवानी तू मेरी मैं तेरा पागल पिया हजारों में किसी चाहे मजाना कलंक नहीं इश्क है काजल पिया कलंक नहीं इश्क है काजल
आप इधर आ सकते हो क्या? मुझे आपको बस ये देना है। ये सिर्फ फूल है क्योंकि अभी हमारा डिसीजन बाकी है। ये आपके लिए है और आपके पूरे गांव के लिए है। आपके जहां तक इस ऑडिशन की बात है, एचआर कह चुके हैं कि हम आपको आगे और मेहनत करनी चाहिए। अनु जी कह चुके हैं कि उनको एक मौका तो देना चाहिए। थैंक यू सो मच। आपको एक और जब चांस दिया तब आपने सुर टू सुर से अच्छे से गाया है और उस बात के लिए मुझे ऐसा लगता है मैं एक और राउंड के लिए आपको चांस देना चाहती हूँ।